पढ़ेंगे, जिनको इंग्लिश में आप जेंडर वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। लिंग शब्द क्या होते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले वो क्या कहलाते हैं, लिंग शब्द। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चले वो लिंग शब्द कहलाते हैं। इंग्लिश में हम उनको जेंडर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। स्त्री या पुरुष होने का पता चले वो लिंग शब्द कहलाते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चले वो शब्द लिंग शब्द कहलाते हैं। और लिंग के दो भेद हमने पढ़े, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से, ये हो गई लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले वो लिंग शब्द कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। मस्कुलिन और फेमिनाइन, आप इंग्लिश में इनको वर्ड्स को इस नाम से पढ़ते हैं। सबसे पहले लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चले वो लिंग शब्द कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसको आप मस्कुलिन और फेमिनाइन के नाम से भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो पुल्लिंग क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति होने का बोध हो, बोध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, पता चलना, मालूम होना। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति होने का पता चले वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का है, दादाजी है, मुर्गा है, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है पुरुष, इनके पुरुष जाति होने का पता चल रहा है। तो ये किसमें आएंगे, पुल्लिंग में, किसमें आएंगे, पुल्लिंग में। और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले, बोध का हमने अभी पता किया, मालूम होना, ज्ञान होना। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, तो स्त्री में उसको हमने क्या पढ़ा, लड़की, ठीक है। दादाजी पुरुष में पढ़ा, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया, दादी जी। यहाँ हमने पढ़ा मुर्गा, तो यहाँ क्या हो गया, मुर्गी। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। इनके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उनकी हम पुरुष या स्त्री होने का पता कैसे चलाएंगे, तो वो कौन से लिंग में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे या स्त्रीलिंग में आएंगे, इन शब्दों की पहचान हम कैसे।
क्या बोलेंगे? युवक, ठीक है, जो भैया और दीदी कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, टीनेजर्स जिनको बोलते हैं, वो क्या हुआ है? युवक। और युवक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हुआ है? युवती। दूसरा शब्द है नर और मादा, मेल और फीमेल। नर क्या होता है? मेल, और मादा फीमेल। नेक्स्ट वर्ड है वर, और स्त्रीलिंग हो गया वधु। वर बोलते हैं दूल्हे को, ठीक है, और वधु दुल्हन। नेक्स्ट है शिष्य, और इसका स्त्रीलिंग हो गया शिष्या। स्टूडेंट को ही हम शिष्य बोलते हैं, ठीक है, तो बॉयज के लिए क्या आएगा? शिष्य, और गर्ल्स के लिए क्या लिखा जाएगा? शिष्या। जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सबसे अंत में हम लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो बॉयज क्या लिखेंगे? शिष्य। और शिष्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? शिष्या। मीन्स गर्ल्स को क्या लिखना है? शिष्या, शिष्य यानी छात्र, स्टूडेंट। नेक्स्ट है पुरुष और महिला, ठीक है, जेंट्स और लेडीज। नेक्स्ट है श्रीमान और श्रीमती, मिस्टर और मिसेज जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, मिस्टर को हिंदी में श्रीमान बोलते हैं, और मिसेज को हिंदी में श्रीमती बोलते हैं। हम एप्लीकेशन में इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, अगर वहां पे जेंट्स हैं, पुरुष हैं, तो हम प्रधानाचार्य शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर वहां पर महिला है तो हम लिखेंगे सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य, ठीक है। इस प्रकार हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का उचित जगह प्रयोग करना है। नेक्स्ट है कवि, और कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। कवि क्या होता है? कविता को लिखने वाला। अगर पुरुष है तो कवि शब्द का प्रयोग होगा, अगर कविता स्त्री ने लिखी है तो वहां पर हम कवयित्री शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सुत और सुता। सुत का अर्थ होता है पुत्र, सुत शब्द पुत्र के लिए यूज होता है, और सुता पुत्री के लिए। तो इस प्रकार आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखते समय, वाक्य में लिखते समय भी ध्यान रखना है कि अगर पंखा चल रहा है